Some of the greatest traps people fall into while trying to sell insurance are, insurance बेचने के लिए life insurance products के बात करते हैं, या investment, या protection, या importance of serving, या uncertainties of life, या retirement, या children planning, ऐसे 25-30 concept को बेचने की कोशिश करते हैं. All, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बंद करो, stop. Insurance बेचने के लिए, आज खोपड़ी खोलो और खोपड़ी में लगाओ. सबसे पहले बेचने का है ए कंसेप्ट कॉल्ड फैमिली. अगर आपने फैमिली बोल के चीज को बेच दिया, इंश्योरेंस बिकेगा. जब जब आपने फैमिली बेचा, इंश्योरेंस बिका. हर आदमी का इंश्योरेंस खरीदने का एक ही वजह है, फैमिली. और कुछ भी बेचा तो तुम गड्ढे में हो, फंस रहे हो, फंस सकते हो, अभी नहीं तो फ्यूचर में. फैमिली बेच दिया, फंसोगे नहीं, जीवन भर प्रीमियम देता रहे. समझ में आ गया तो जोर से बोलिए हाँ. अब सवाल उठता है, फैमिली कैसे बेचेंगे, यानी फैमिली बेचने का मतलब क्या है. एंड दैट्स एग्जैक्टली इज ए स्टोरी कॉल्ड हायरम स्मिथ सेमिनार रोप स्टोरी. ये कहानी बोलने का, आज के बाद कस्टमर के पास जाके बैठे, कैसे हो वगैरह वगैरह हो गया. सर हमारा बातचीत मैं छोटी सी कहानी के साथ शुरू करता हूं, बोल के स्टार्ट करने का. एनी कस्टमर इन द होल वर्ल्ड कहानी बोलते बोलते ठीक है बताओ बोलेंगे. कहानी को कोई नाम नहीं बोलेंगे. And it's a real story. He is a trainer called Hiram Smith. Hiram Smith जो है Stephen Covey का partner है, Franklin Covey company में president है, Seven Habits of Highly Effective People का author का partner है. ये आदमी का एक training program हुआ था. इस program का नाम था Family Mastery. 5000 लोग आए हुए थे families के साथ, मैं भी बैठा हुआ था front row में. 10 बजे program start हुआ. करीबन 11 बजे तक उसने लोगों को हंसा के फैमिली के बारे में एडुकेट करता हुआ. एग्जैक्टली 11 बजे उसने ऐसा इशारा किया. फ्रंट रो में बैठा हुआ मैं खुद ट्रेनर ना सिर्फ सीख रहा था, बाकी सबको ऑब्जर्व कर रहा था. मैं देख रहा था कि एक आदमी वहां पर खड़ा है, बड़ा सा 5000 लोगों का ऑडिटोरियम, बहुत ही बड़ा, इसका 3 गुना 4 गुना बड़ा स्टेज. वहां पर मोटा सा रस्सी लेके, रोप लेके एक आदमी कंधे पर रख के खड़ा था. जैसा इन्होंने इशारा किया, वो आदमी रोप को ये कॉर्नर से वो कॉर्नर तक स्टेज में डाल दिया. तो एक एड्ज रोप का उस कॉर्नर में था, दूसरा एड्ज रोप का इस कॉर्नर में था. हायरम स्मिथ ने सामने वाला रो में से एक आदमी को स्टेज के ऊपर बुलाया, जेब में से $100 का नोट निकाला और पूछता है ये क्या है बताओ. उसने बोला $100 नोट. तो उसने पूछा इंडिया में इसका वैल्यू कितना है. ये 7-8 साल पहले के. उसने बोला $50 per dollar, यानी ₹5000, $100 का वैल्यू. हायरम स्मिथ ने बोला आप अगर इफ यू कैन शो मी दैट यू कैन वॉक ऑन दिस रोप आई विल गिव यू $100. इस रस्सी के ऊपर चल के दिखाओ, $100 दे दूंगा. तो ये आदमी बोला सो व्हाट यू सेइंग इज इफ आई पुट ऑल माई फुट ऑन दिस रोप एंड वॉक फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दैट एज यू विल गिव मी दिस. उसने बोला यस. तो उसने तुरंत चलना स्टार्ट कर दिया. रस्सी पड़ा है ऐसा 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 ऐसा, ये कॉर्नर से वो कॉर्नर, हम सब के सब 5000 लोग तमाशा देख रहे हैं. हायरम स्मिथ उसके पीछे पीछे गए. जैसा चलना खत्म हुआ, $100 उसके हाथ में दे दिया, सेंटर पे बुलाया, हम सब के सब ने ताली बजाया. मेरे को तुरंत मालूम पड़ गया कुछ ना कुछ जबरदस्त सीखने को मिलने वाला. स्टेज के बीच में वापस लाने के बाद उस आदमी को हायरम स्मिथ पूछ रहा है व्हाई डिड यू वॉक ऑन दिस रोप, क्यों चले. तो आदमी ने जवाब दिया क्या, ₹5000 के लिए, $100 के लिए. तो हायरम स्मिथ बोलता है इमेजिन द सेम रोप वुड हैव बीन टाइड ऑन द रूफ टॉप ऑफ योर ओबेरॉय टावर्स एंड एक्सप्रेस टावर्स इन द नारिमन पॉइंट. यही रस्सी इन दोनों को रूफ टॉप में बांधा होता एंड आई वुड हैव ऑफर्ड यू $100 टू वॉक ऑन इट, वुड यू हैव वॉक्ड. बोला उसने बोला नो. ओके फॉर $1000 वुड यू वॉक, बोलता है नो. ओके फॉर $1,000,000 वुड यू वॉक, उसने बोला नो. ओके फॉर $1,000,000,000 वुड यू वॉक,
उसने बोला नो. Now think about it. $1 billion means 5,000 crore rupees. You will not walk on that rope. No, I will die. I will not walk. Then, अचानक ही हायरम स्मिथ ने स्टेज में से फट करके उड़ी मारा. फ्रंट रो में इसी आदमी का 4 साल का बच्चा था. उसको कंधे पे ले लिया, स्टेज के ऊपर आ गया और सबके बीच में पूछता है, कोई टेररिस्ट, इफ सम टेररिस्ट, जेब में से प्लास्टिक का बंदूक निकाला, कम्स एंड टेल्स दैट ही विल शूट योर चाइल्ड इफ यू डोंट वॉक ऑन द रोप, विल यू वॉक? उसने बोला थिंक अबाउट इट एंड टेल. बोलता है नो थिंकिंग, आई विल वॉक. व्हाई? यस, ही इज माय सन, ही सेड. एंड ओके, बुलाया तो सामने से वो व्हाइट बोर्ड लेके दो असिस्टेंट आ गए, मार कर दिया हायरम स्मिथ. राइट डाउन द नेम्स ऑफ ऑल दोज पीपल, उन सब का नाम लिख लो जिनके खातिर आप उस रस्सी पे चलने को तैयार हो जाओगे. और वो आदमी ने 4 नाम लिखा. हायरम स्मिथ ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, दे आर ऑल योर फैमिली मेंबर्स, बोला उसने. ये बोलता है यस सर. और हम सबके सब ने करीबन 4-5 मिनट ताली बजाया, मगर एक चीज सीखा उस एक्टिविटी से कि हमारे लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारा परिवार है. आज के बाद जिस किसी कस्टमर को मिलते हो ना, वो जीवन सरल दिखाने का, सिलाल जीवन आनंद नहीं दिखाने का, नाम दिखाने का जीवन क्या है वो, शांति. और अशांति को तो बिल्कुल नहीं लाने का, ना दिखाने का लक्ष्य कुछ नहीं. सबसे पहले कहानी, कौन सा कहानी, फैमिली. एक बार एक कस्टमर को रियलाइज हो जाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका परिवार है, और परिवार के लिए एक आदमी सिर्फ एक ही चीज करता है. सिर्फ परिवार के लिए एक आदमी सिर्फ एक ही चीज करता है, और वो है बाइंग लाइफ इंश्योरेंस. मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं इमोशनल इंटेलिजेंस बोल के किताब. इस किताब में पहला चैप्टर एक स्टोरी लिखा है. वो स्टोरी बोलता है कि एक मां बाप हडसन रिवर में न्यूयॉर्क सिटी में एक्सीडेंट में कार के साथ नीचे गिर गए, और वो कार नीचे गिरा, वापस फ्लोट हुआ. फ्लोट होने के बाद उल्टा था, वो उल्टा कार ऐसा ऐसा ऐसे से हो रहा था, सारे दुनिया के कैमरे उसको शूट कर रहे थे, और ये कार धीरे 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 नीचे उठ, और डाइंग मोमेंट्स में कार का दरवाजा खुला और उसमें से लाइफ बेल्ट पहन के एक 13 साल की लड़की बाहर आई फ्लोट होते हुए, एंड कार में बाकी लोग मर गए. रिसर्च से पता चलता है उसके माँ बाप और ये लड़की 3 लोग थे. ये लड़की 13 साल की, 11 साल की जो भी है, वो सेरेब्रल पाल्सी का शिकार थी, और 6 महीने में लड़की मरने वाली थी. एक्सीडेंट हो गया, एक ही लाइफ बेल्ट था, एक ही बच सकता था. मां बाप ने किसको बचाया? बेटी, कौन सी बेटी को जो 6 महीने में मरने वाली, अपने आप को नहीं बचाया. दैट्स द वैल्यू ऑफ फैमिली. तुम अगर मां हो, तुम अगर बाप हो, सारा जिंदगी बच्चे की जगह पर मैं जिया, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते. ये कहानियां हैं जो सबसे पहले एक कस्टमर को सुनाने. आज मैं आपके परिवार के बारे में बात करने आया हूं. अगला सब्जेक्ट,